हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ द सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावर। टुडे वी हैव टू स्टडी आवर नेक्स्ट लेसन फ्रॉम सिक्स्थ इंग्लिश बुक 1.4। चिल्ड्रंस आर गोइंग टू स्कूल, मतलब बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मॉर्निंग लाइट स्प्रेड्स ओवर अर्थ, मतलब सुबह लाइट पूरे अर्थ पर फैली हुई है। किसकी लाइट फैलती है सुबह सुबह पूरे अर्थ पे? सन की। तो सन के बारे में बताया है। वंस अगेन द स्काई बोज हिज हेड इन रिस्पेक्ट, एक बार फिर स्काई के बोज से एक हेड निकला हुआ है। तब उसी समय फॉर अ चिल्ड्रंस आर गोइंग टू स्कूल, मतलब बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आगे द सन आफ्टर हिज मॉर्निंग डीप इन द रिवर, मतलब द सन आफ्टर हिज मॉर्निंग डीप इन द रिवर, मतलब आफ्टर मॉर्निंग के बाद वो रिवर में डीप होता है। ड्रेस्ड अप हिज गोल्डन मसलिन तरबन, मतलब वो उसका गोल्डन कलर का मसलिन, मतलब एक टाइप का कॉटन क्लोथ रहता है, मसलिन तरबन वो पहनावा कर लेता है। ठीक है, आगे वेट्स एंड स्माइल ऑन द साइड ऑफ द रोड, मतलब रोड के साइड में वो बच्चों को देखता रहता है कि वो स्कूल जा रहे हैं। आगे फॉर चिल्ड्रंस आर गोइंग टू स्कूल, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब सन क्या करता है, रोड के बाजू में ऊपर उसका मसलिन गोल्डन मसलिन टर्बन पहन के वेट करता है और स्माइल करता रहता है। ओके, आगे देखते हैं। थ्रू द ग्रीन टॉप ब्रांचेस ब्रिजेस सिंग्स देयर सॉन्ग्स ऑफ ब्लेसिंग्स, मतलब ग्रीन टॉप ब्रांचेस, जो ग्रीन ब्रांचेस रहती है बड़ी बड़ी सी पेड़ों की, उसमें से एक ब्रिज सिंग, मतलब सोम में सा एक गाना गाया जाता है और ब्लेसिंग्स दी जाती है। ओके, द फ्रेग्रेंट फ्लावर्स अवेकन द स्लीपी रोड्स विद देयर मेलोडीज, मतलब जो फूल रहते हैं जो छोटे छोटे फूल रहते हैं उनके फ्रेग्रेंट से वो स्लीपी रोड जो रहते हैं वहाँ पे एक इसमें बताया गया है कि उनकी खुशबू से वो मेलोडीज देते हैं बच्चों को। एट द कॉर्नर ऑफ द लेन, मतलब लेन के कॉर्नर पे द पीपल इन हिज लश्टी फॉयलेज वेव हिज हैंड फॉर अ चिल्ड्रंस आर गोइंग टू स्कूल, मतलब कॉर्नर एक लेन के कॉर्नर पे वो पीपल खड़े रहते हैं। पीपल मतलब लोग, बहुत सारे लोग जो खड़े रहते हैं वो बच्चे जब स्कूल जा रहे होते हैं उनको हाथ से बाय बाय करते रहते हैं और वेव हिज हैंड्स। ओके, फॉर चिल्ड्रंस आर गोइंग टू स्कूल, मतलब बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं तब। ओके, एंजल्स ऑफ अ लाइट हैव सेट आउट एवरी रोड इज अ जिलिम एट हिज हवर, मतलब जिलिम का मतलब क्या दिया हुआ है, जिलिम का मतलब दिला है शाइनिंग ब्राइट, मतलब एंजल्स ऑफ अ लाइट हैव अ सेट आउट, जब एंजल्स की लाइट सेट आउट होती है, एवरी रोड इज अ जिलिम, एवरी रोड हर एक रोड एक ब्राइट शाइन करता है। एट दिस हावर, जो सुबह सुबह जब एंजल्स की लाइट पूरे अर्थ पे पड़ती है तब हर एक लेन अजिलिम मतलब शाइनिंग ब्राइट करती है। ओके, एट दिस हावर एवरी पार्टिकल्स ऑफ द अर्थ थ्रोब्स हिज मदर हार्ट, मतलब अर्थ पे का एवरी पार्टिकल जो है वो उसके मदर के हार्ट से थ्रोप करता है। ओके, टाइम सेटिंग ऑन द ओल्ड रूफ फ्लाइज पिजन इन द स्काई फॉर द चिल्ड्रंस आर गोइंग टू स्कूल, मतलब जब ओल्ड रूफ मतलब जो पुराने घरों पे जब पिजन उनके पुराने घरों पे जब पिजन बैठे रहते हैं और फ्लाइज इन द स्काई जब स्काई में फ्लाई करते हैं तब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। ओके, तो इसका जो वर्क बुक है वो डाल दिया जाएगा होमवर्क की तरह। ओके, थैंक यू।